I know I've been not always honest to you. So many things I've done, so many lies I've told. I want to change, I want to change with you. तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज लोग है दोस्तों खेतान मार्केट, पटना का काफ़ी बड़ा मार्केट है। और यहाँ दोस्तों पता किया कि एक बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े यहाँ मिलते हैं खेतान मार्केट। तो यहीं हम दोस्तों आज आए हैं, और अभी शाम दोस्तों 5 बज रहा है, शाम का 5 बज रहा है, और यहाँ पर ये काफ़ी बड़ा है। अभी हम जा रहे हैं, पंकज जी आए साथ में, मनोज भी इधर देख सकते हैं। तो क्या प्लान है भाई, इधर चलोगे अंदर? यस यस, आगे एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है नहीं है यहाँ खेतान मार्केट, देखते हैं दोस्तों क्या क्या देखने को मिलता है। अभी हम लोग अंदर ही जा रहे हैं और बाहर आप सो गए, ये पूरा देख सकते हो, ये पूरा मार्केट है दोस्तों इसके अंदर। और देख, और ये पटना का काफ़ी दोस्तों बड़ा मार्केट में आता है, देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। यह बाहर का नज़ारा दोस्तों, इधर से स्टार्टिंग होता है मार्केट, और इधर से हम लोग चढ़ रहे हैं अभी। अभी हम लोग स्टार्टिंग चढ़े हैं दोस्तों, काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो देखते हैं दोस्तों अभी स्टार्टिंग तो हुआ है। और फिर ऊपर चढ़ेंगे हम लोग मार्केट में, कंटिन्यू बना रहे हैं इस ब्लॉग में, देख सकते हो मज़ा बड़ा मार्केट जा रहा है पटना का। सबसे नहीं आया सो गाइस, हम लोग बहुत ऊपर आ गए हैं, ये देख सकते हो काफ़ी ऊपर फ्लोर में हम लोग आ गए हैं। ये खेतान मार्केट, और नीचे इस तरह कुछ दिख रहा है, देख सकते हो, देख सकते हैं। अभी तो लिए नहीं कुछ, बस ऐसे देख रहे हैं गाइस। ये था दोस्तों खेतान सुपर मार्केट, हम लोग ऊपर फ्लोर में चढ़े थे, बट कुछ लिए नहीं, काफ़ी बड़ा है का, बहुत बड़ा है। यहाँ सिस्टम दुकान का है कि बहुत सारा दुकान खुला हुआ है इसमें, पर्सनली हर चीज़ का शॉप मिलेगा यहाँ, कोई भी A to Z कपड़ा आपको मिल जाएगा, डायमंड से लेके हर डायमंड वगैरह। यहाँ तो जेंट्स के लिए कुछ है नहीं, हम लोग खोजना पड़ेगा हर दुकान में जाके। लेडीज़ के लिए पूरा A to Z यहाँ पे कपड़ा आपको मिल जाएगा, मार्केट बाहर में लगा हुआ फुटपाथ में, बाहर में भी और यहाँ भी, काफ़ी बड़ा मार्केट था। हम लोग पूरा घूमे दोस्तों ने, लिए नहीं कुछ, अभी चलते बाहर का थोड़ा भी दिखा देते हैं खेतान सुपर का मार्केट। अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, यही तक कुछ सुपर मार्केट खेतान, मतलब कि 500 मीटर। गाइस आप देख सकते हैं बाहर में दोस्तों मार्केट भी है, खेतान मार्केट के जस्ट दोस्तों सब काफ़ी भीड़ भी है, देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं। देखो देख सकते हैं लेडीज़ का हर कपड़ा मिल सकता है, देख सकते हो सैंडल वगैरह जो भी है दोस्तों, ये पूरा देख सकते हो। तो गाइस ये था खेतान मार्केट, हम लोग गए थे अभी, और दोस्तों लेना ही बाहर का मार्केट था ना, काफ़ी घूम के लिए। ये मार्केट दोस्तों गांधी मैदान से जस्ट ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 किलोमीटर होगा ना, 1 किलोमीटर नहीं, आधा किलोमीटर होगा। इस मार्केट में शॉपिंग करने आई, काफ़ी अच्छा मार्केट है, हर ब्रांडेड के यहाँ कपड़ा मिल जाएगा, सस्ता महंगा सब। इस मार्केट में विजिट कीजिए खेतान मार्केट के सामने, बाहर में दोस्तों आपको मिल जाएगा हर चीज़ मिल जाता है यहाँ पर, फुटपाथ जैसे भी लगा खेतान मार्केट में आप विजिट कर सकते हो। यहाँ ज़्यादातर ऑफर चलता रहता है, ऑफर में आप जाइएगा, थोड़ा बार्गेनिंग करना पड़ेगा तो मिलेगा आपको काफ़ी, मतलब बहुत पता किया तब बाहर ये मार्केट पता चला था कि खेतान मार्केट पटना का सबसे बड़ा मार्केट है ना, यहीं पे आए थे पंकज भाई, बोला थे भाई चलो मार्केट में थोड़ा घूम के आते हैं, तो आए काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे से ब्लॉग दोस्तों आपको मिलते रहेगा चैनल में, अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताना ये मार्केट कैसा था। हम लोग कुछ लिए नहीं यार, वीडियो छोटा सा बना तो बहुत जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, शेयर करें। तो पंकज को थोड़ा बहुत हिस्ट्री यहाँ बारे में पता है, पंकज बता दो गोलघर के बारे में कुछ जो भी है इन्फॉर्मेशन। गोलघर इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ अनाज वगैरह रखा जाता था अंग्रेजों के टाइम में, क्योंकि पटना जो है सो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है।